चौथे रात्रि की देवी कुष्मांडा, भगवती पार्वती की चौथी शक्ति कुष्मांडा और नवग्रहों के चौथे ग्रह जो होते हैं सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, बुध के अधिष्ठात्री देवी कुष्मांडा। कुष्मांडा का आकार जो है ब्रह्मांड की तरह है, ब्रह्मांड की तरह। यह कथा हमें कहती है कि जब हम अपने जीवन में किसी अच्छे घर में उत्पन्न हों, शैल पहाड़ की तरह के लोगों के यहाँ उत्पन्न हों, हिमालय के यहाँ उत्पन्न हों, उसके बाद ब्रह्मचारी रहना चाहिए अपनी युवा अवस्था तक, और ब्रह्मचारी होने के बाद तीसरी अवस्था है चंद्रघंटा की, पावर गेन करना चाहिए हमको, विद्या का पावर गेन करना चाहिए, मसल पावर गेन करना चाहिए, दिमागी पावर गेन करना चाहिए, राजनीतिक पावर गेन करना चाहिए, सामाजिक पावर गेन करना चाहिए, धन का पावर गेन करना चाहिए और धर्म का पावर गेन करना चाहिए। जब ये हम करते हैं, पावर मेरे पास आता है तो आपका परिचय संपूर्ण ब्रह्मांड में हो जाया करता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पावर, धन का पावर गेन किया तो अलीबाबा के मालिक हो गए, मार्क बर्गर हो गए, ज्ञान का पावर अर्जित किया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो गए, मसल का पावर अर्जित किया तो खल्ली हो गए। प्रकृति जीवन में, मानवीय जीवन में इस नवरात्र को समझने की चीज है कि नवरात्र है क्या, केवल पूजा करने की चीज नहीं है, अक्षत धूमन जलाने की चीज नहीं है। आप अपने जीवन में नवरात्र को उतारिए, यही नवरात्र तो कहता है कि हम अपने जीवन में कैसे नवरात्र को उतारें, हमारे यहाँ की बेटियाँ, हमारे यहाँ के बच्चे कैसे जीवन में नवरात्र को उतारें। यह नवरात्र जो है वह जीवन प्रबंधन है और मैं जीवन प्रबंधन से संबंधित ही नवरात्र को आपको बता रहा हूँ। जब आप ये चीज़ें गेन कर लेंगे, सारे पावर गेन कर लेंगे, तब आप ब्रह्मांड में चमत्कृत हो जाएंगे, ब्रह्मांड के लोग आपको जानने लगेंगे, आइंस्टीन के नाम से, विवेकानंद के नाम से, महावीर के नाम से, बुद्ध के नाम से, राम के नाम से, कृष्ण के नाम से दुनिया जाने लगेगी। यही चीज है कुष्मांडा, जो ब्रह्मांड के आकार की है। जब आप ये सारे एनर्जी गेन करते हैं, सभी तरह की ताकत गेन करते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका नाम हो जाएगा। और आपको ब्रह्मांड में अगर नाम पाना हो तो इसी कुष्मांडा देवी का पूजन करना होगा। और केवल पूजन से फल की प्राप्ति नहीं होती। लोग कहते हैं मैं गया प्रसाद चढ़ा दिया भक्ति भाव से किया, अरे आपने उसमें क्या लगाया प्रसाद में, हवन कीजिए, प्रकृति को प्रसन्न कीजिए। जब प्रकृति प्रसन्न हो जाएगा इस हवन से, यज्ञ से, पौराणिक काल में यज्ञ का फल महत्व था, आज भी महत्व है, लेकिन लोग यज्ञ अधिक किया करते थे, हवन अधिक किया करते थे। इसे हम प्रकृति को जो है वह स्वच्छ करते हैं, वातावरण को स्वच्छ करते हैं। और हवन अगर आप करेंगे तो मैं आपको दावा करता हूँ कि हवन से आपके सारे मनोवांछित कामना की पूर्ति हो जाएगी। यह जो धुआं उठ रहा है, यह जो लौ उठ रही है, वह संपूर्ण प्रकृति में फैल करके, इस ब्रह्मांड में फैल करके आपको ताकत उत्पन्न करेगी। ब्रह्मांड के प्रत्येक भूतों के पास, प्रकृति के पास, नदी, नहर, पेड़ पौधा सबके पास जाएगा, और जब सबके पास जाएगा तो आपकी यह विनती सुनाती है यह हवन, और प्रकृति जब आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको ब्रह्मांड में चमत्कृत कर सकता है, ब्रह्मांड में आपको बहुत लाभ दे सकता है। बहुत सारे लोग आए लेकिन प्रकृति ने उनको तोड़ दिया और सफल नहीं हो सके, बहुत लोगों को प्रकृति ने मदद किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में चमत्कृत हो गए। तो ब्रह्मांड में अगर आपको स्थान पाना है और चंद्र कुष्मांडा की तरह होना है तो कुष्मांडा देवी का मुख्य फल जो है वह होता है फल, भतुआ, कोहड़ा, पेठा, या नहीं अगर कुछ हो तो जो भी फल होता हो उस फल से कुष्मांडा देवी की हवन करना चाहिए। ओम कुष्मांडा नमः स्वाहा। ये फल इसमें पकेगा, इसके मीठे स्वाद प्रकृति में जाएंगे, हवा में जाएंगे और मीठे स्वाद से बारिश होती है। तो इस तरह से ओम कुष्मांडाय नमः स्वाहा फलों का भी आप हवन कर सकते हैं। और कुष्मांडा देवी को प्रसन्न करने के लिए
आप अगर संभव ना हो तो फल को काट लिया करें, छोटा छोटा कर लिया करें। आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं होगी अगर, तो आप अपने छत पर इस तरह के फलों को काट करके छोटा हवन भी कर सकते हैं। हवन का यह संपूर्ण सीरीज हमारे यहाँ चलेगा पूर्ण संपूर्ण नवरात्र में, और संभवतः आपके लिए जो है वह संपूर्ण अच्छे जो है व्रत त्यौहार में हवन के विधान, हवन विज्ञान पर आपको कुछ न कुछ हमारे बायोस्कोप निज बायोस्कोप से बताया जाएगा। आप बराबर हमारा निज बायोस्कोप देखते रहें, और हम हवन विज्ञान पर कार्य कर रहे हैं। हवन विज्ञान से हम प्रकृति को कैसे लाभ दे सकते हैं और हम प्रकृति से कैसे लाभ ले सकते हैं। तो हरिओम सिंडिकाय, कुष्मांडे चतुर्थकम् भगवति कुष्मांडा। पार्वती का स्वरूप है कुष्मांडा का चतुर्थ स्वरूप, चौथे दिवस का स्वरूप है यह। और कुष्मांडा कहा गया है भतुआ को, कोहड़ा को, पीलो रंग का जो कद्दू होता है उसको भतुआ कहा जाता है, कोहड़ा कहा जाता है, इसी को हम संस्कृत में कुष्मांडा कहते हैं। और भगवती का यह देवी का जो स्वरूप है वह कुष्मांड के आकार की है, ब्रह्मांड के आकार की है। ब्रह्मांड का आकार जो है वह कुष्मांडे की तरह है, इसलिए यहाँ जो है वह व्याकरण की भाषा में भगवती को कुष्मांडा कहा गया है कि वह ब्रह्मांड के समान इनकी आकार है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि शैलपुत्री के बाद मानव जीवन, स्त्री जीवन का बदलाव कैसे होता है ब्रह्मचारिणी के रूप में।